हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज का हमारा टॉपिक है कि डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रेच मार्क्स को होने से पहले ही रोक सकते हैं, अगर स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो उनको कैसे हल्का कर सकते हैं, उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, घरेलू उपाय या कुछ ऐसी क्रीम्स जिनको हम यूज़ करके उनको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आपके लिए इस वीडियो को एक तो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो उन सभी मदर्स के लिए हैं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही स्ट्रेच मार्क्स कम बने इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर स्ट्रेच मार्क्स बन गए हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन जिन एरियाज़ पे स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, जैसे कि एब्डोमेन यानी कि पेट या थाइज हो गई या ब्रेस्ट पे या फिर बैक पे, अगर इस एरिया पे जो है स्ट्रेच मार्क्स बन गए हैं तो हमें जो है उस जगह पे रेगुलरली जो है ऑयल मसाज करनी चाहिए, उस स्किन को जो है मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो इसके लिए आप कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं? आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑयल्स जो हैं मसाज के लिए काफ़ी अच्छे हैं और ये स्किन में आप धीरे धीरे जैसे अप्लाई करते रहेंगे रेगुलरली, ऐसे नहीं बीच बीच पर नहीं लगाना, रेगुलरली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखेंगे और आपके स्किन पर जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी हल्के हो जाएंगे। सेकेंड एक घरेलू उपाय है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, बहुत इजी है करना। आपको एक चम्मच जो है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल लेना है, उसमें एक ही चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए। एलोवेरा जेल घर का हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे पतंजलि का या कोई भी एलोवेरा जेल वो डाल दीजिए, और उसमें जो है दो कैप्सूल जो हैं विटामिन ई के आप डाल दीजिए। विटामिन ई के कैप्सूल्स को एवियन जो कैप्सूल्स आते हैं वो किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको इजीली मिल जाएंगे, वो डाल दीजिए और तीनों को आप जो है अच्छे से मिला लीजिए और अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इस मिक्सचर को जब आप अपने उस एरिया पे कम से कम 15 दिन तक लगातार लगाएंगे तो आप जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स जो है हर जो पर्सन है हर मदर के लिए अलग होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अभी नहीं गए हैं 15 दिन बाद भी नहीं गए हैं तो आप उसको थोड़ा सा और लगाइए, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये और इसको आप यूज़ करेंगे रेगुलरली लगातार तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और विटामिन ई कैप्सूल इनकेस आपके पास नहीं है तो आप जो है उसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। अगली जो होम रेमेडी है वो भी काफ़ी इजी है, ये जो है हमारे घर में बहुत इजीली मिल जाता है, वो होता है शहद। तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा ले लीजिए और उस पर जो है शहद लगा दीजिए और उसको जो है अपने जिस एरिया में आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ पे जो है बांध लीजिए, और जब वो शहद जो है आपको लग रहा है वो पार्ट जैसे सूख गया है, ड्राई आपको लग रहा है, उसके बाद जो है उसको आप निकाल सकते हैं और आप फिर वॉश कर लीजिए। या फिर आप जो है शहद में नमक और ग्लिसरीन डाल के इसका बहुत अच्छा स्क्रब बन जाता है, इसको भी आप अपने अफेक्टेड एरिया पे जिस एरिया पे आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं उस पर लगाइए हल्का हल्का, और थोड़ी देर 2 से 5 मिनट स्क्रब करने के बाद जो है आप उस एरिया को धो लीजिए। तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि हनी जो है हनी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हनी नेचुरल भी है, तो इससे आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद जो एक घरेलू उपाय है वो है अंडा। अंडे में जो एक सफ़ेद पार्ट जो होता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जब एग को आप तोड़ें तो उसमें से जो सफ़ेद पार्ट है उसको आप निकाल लीजिए और उस पार्ट को ब्रश की हेल्प से जो है जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है स्ट्रेच मार्क्स वाला एरिया है उस पर लगा लीजिए, और जब वो सूख जाए तो उसको जो है पानी से साफ़ कर लीजिए, और पानी से साफ़ करने के बाद जो है उसको मॉइस्चराइज करना मत भूलिए। उस पर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या नारियल का तेल लगा लीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं उस पर। और अगर आपको इनकेस ऐसा लग रहा है कि अंडे से आपको एलर्जी लग रही है या फिर उस एरिया पे थोड़ी सी भी इचिंग लग रही है तो आप उसको फ़ौरन धो दीजिए। अंडा इसलिए अच्छा है स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने क्योंकि अंडे का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वाइट पार्ट, जो प्रोटीन है वो सेल्स को बिल्ड करता है, मसल्स बनाता है, तो उस एरिया के जब नए मसल्स बनेंगे नए सेल्स बनेंगे तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो जल्दी सही हो जाएंगे।
इसके अलावा जो नेक्स्ट रेमेडी है वो ये है कि आप जो है हल्दी और चंदन का जो पाउडर होता है इनको मिक्स कर लीजिए और उसको जो है अपने उस पार्ट पे लगाइए इस, और जब वो सूख जाए तो आप उसको धो दीजिए। ये भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और स्ट्रेच मार्क्स जो हैं काफ़ी जो है दूर हो जाएंगे। पर एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि इनके रिजल्ट्स जो होम रेमेडीज़ हैं इनके रिजल्ट्स तभी अच्छे आते हैं जब आप इस चीज़ को जो है रेगुलरली यूज़ करें, चाहे होम रेमेडीज़ हैं चाहे कोई और भी मार्केटेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट तो तभी अच्छे आते हैं जब उसको जो है रेगुलरली यूज़ किया जाए। तो उनको रेगुलरली यूज़ कीजिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि नींबू का रस या जो आलू है उसके रस को भी आप अपने उस एरिया पे लगा सकते हैं और सूखने के बाद उस एरिया को जो है गुनगुने पानी से धो दीजिए। आलू का रस जो है आप उसको कद्दूकस करके जो रस निकलता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है यूज़ करना और काफ़ी ज़्यादा इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बात हुई कि ऐसी होम रेमेडीज़ जो हम घर की चीज़ों से यूज़ करके हम जो है उस एरिया को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट्स या जो ऐसे प्रोडक्ट जो हमें मार्केट में मिलते हैं उनको हम यूज़ करके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। एक फर्स्ट होता है बायो ऑयल, जो कि आप जो है अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 या 3 महीने जब आपको प्रेगनेंसी को हो जाए आप तभी से अगर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और डिलीवरी के बाद भी आप उसको यूज़ करते रहें तो इससे जो है आपके स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी कम होंगे, बनेंगे ही नहीं अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने अपनी डिलीवरी के 3 महीने बाद से ही मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मैं रेगुलरली उसको यूज़ करती थी मॉर्निंग में और नाइट टाइम पे, तो मुझे जो है स्ट्रेच मार्क्स अब मानेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं बने हैं और मेरी डिलीवरी हो चुकी है इसके बाद भी मैं जो है रेगुलरली उसको अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो थी शिया बटर। शिया बटर भी बहुत अच्छा होता है स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करने के लिए और स्ट्रेच मार्क्स उनको बनने से पहले ही वो रोक देता है, तो शिया बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक कोकोआ बटर आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स अगर पहले से यूज़ करेंगे तो बनेंगे ही नहीं और बाद में डिलीवरी के बाद भी आप रेगुलरली, मैं बोलूँगी 2 से 3 महीना आप यूज़ कीजिए तो स्ट्रेच मार्क्स जो है काफ़ी जल्दी ठीक होंगे। इसके अलावा ये जो चीज़ें बताना चाहूँगी कि प्रिवेंशन यानी कि स्ट्रेच मार्क्स को होने से कैसे रोका जा सकता है, जैसे आपको पता चले कि आपने कंसीव किया है तो आप जो है तभी से कुछ ना कुछ अपनी स्किन पे लगाएं मॉइस्चराइज रखने के लिए स्किन को। कोकोनट ऑयल है, कोई भी ऑयल जो मैंने आपको बताया घर में, वो सारे ऑयल आप लगाते रहिए, दिन में 2 बार ज़रूर लगाइए, डिलीवरी के बाद भी आपको लगाना है। इससे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी हल्के होंगे और बनेंगे भी नहीं। और अगर आपके डिलीवरी हो चुकी है और आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं तो मैं आपको यही एडवाइज़ करूँगी कि उस एरिया पे सोप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सोप यूज़ करने से क्या होता है वो जो स्किन है हमारी ड्राई हो जाती है और इससे जो है स्किन और ज़्यादा खींचेगी और या फिर जब स्किन श्रिंक होगी वापस तो वापस से निशान आ जाएंगे। अगर आपको सोप यूज़ करना भी है तो माइल्ड सोप यूज़ कीजिए, माइल्ड मतलब हल्के सोप जो बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई ना करें, जैसे कि पेयर्स होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं तो वो भी जो है स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज रखते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी वीडियो, आपको स्ट्रेच मार्क्स कैसे दूर करने हैं या कैसे उनको होने से रोकना है इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि हमारी सारी जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है पहुँच पाएँ। थैंक यू।